नमस्कार दोस्तों, जेके एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे कि सीमेंट के खंभे कैसे बनाए जाते हैं। आप इसका स्वरोजगार भी शुरू कर सकते हैं। मैं आज मौजूद हूँ मोहल्लालगंज के पास एक फैक्ट्री में, जहाँ पे ये सीमेंट के पिलर्स बनाए जाते हैं, जिनको ज़्यादातर खेतों में या बाड़ बनाने के काम में इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए दिखाते हैं आपको कैसे बनता है। इसके लिए सबसे पहले हमें गिट्टी की ज़रूरत होती है, और उसके बाद बजरी या मोरंग, और पानी, और सीमेंट, और अंत में हमें ज़रूरत होती है सरिया यानी पतला तार। तार डालने से इसकी मजबूती काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए तार का इस्तेमाल किया जाता है। तार से इसमें काफ़ी मजबूती आ जाती है। ये देखिए कितने खूबसूरत खम्भे बने हैं, और इन पिलर्स को आप खेतों में इस्तेमाल करते हैं जानवरों से रक्षा के लिए या बाड़ बनाने के लिए। ये देखिए, ये तो एक आखिरी प्रोसेस है जिसमें छेद में स्टील के लोहे के हुक डाले जाते हैं, जिनमें आप तार फंसा सकते हैं। तो ये खम्भे बनने की प्रोसेस के बाद की है, और हम दिखाते हैं आपको, शुरुआत करते हैं कैसे बनता है। ये देखिए, इसका एक सांचा होता है, सांचे के बीच में लोहे के छोटे छोटे रॉड होते हैं जो छेद बनाने के काम में आते हैं। और इसमें आप देखिए, ये सीमेंट मोरंग, सबसे पहले ये डीजल डाला जा रहा है जिससे कि चिपके ना, और ये मसाला इसके अंदर भरना शुरू कर दिया है। मसाला एक पतले लेयर में पूरे में भर देंगे, पतली परत में, पूरा नहीं भरेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पूरे में एक बराबर समतल करके भर देने। उसके बाद इसमें दो तार डाले जाते हैं बीच में एक समान दूरी पे, ताकि इसकी मजबूती बनी रहे। इसके बाद फिर इसके ऊपर मसाला भरते हैं, सीमेंट मोरंग का। मसाले को सही प्रकार से बराबरी पे भरेंगे पूरे में। ये देखिए, पूरे तार ढक गए हैं। अब एक वाइब्रेटर मशीन, जिस प्लेटफॉर्म पर रखी है वो वाइब्रेटर मशीन है, और इसको चालू कर दिया गया है। और ये देखिए, वाइब्रेटर इसको हिला रहा है, और मसाला पूरे में बराबरी से बैठ जा रहा है, जिससे कि ये खाली न रहें, खोखले न रहें। इसके लिए इसको वाइब्रेटर पर रख के जोर जोर से हिलाता है वाइब्रेटर। उसके बाद फिर से इसमें तार रखने के बाद मसाला को भरते हैं। मसाले को एक बराबरी पर पूरे में भरे जा रहा है, और इसको एक कन्ने की मदद से बराबरी पे दबाया जाता है, प्रेस दिया जाता है, ताकि मसाला पूरी तरह से बैठ जाए, खोखला ना रहे। और पूरे को बराबर से भरते हैं, और जहाँ पे मसाला कम होता है वहाँ पे थोड़ा सा और डालते हैं, और पूरे सांचे को एक बराबर लेयर में भर दिया जाता है। ये देखिए, पूरे को बराबर कर दिया, तो इससे चिकनापन हो जाता है और मसाला पूरी तरह से फिट बैठ जाता है। अब इसको दोनों तरफ से हैंडल से पकड़ के उठाते हैं, और एक बराबरी के स्थान पे इसको पलटते हैं, बहुत सावधानी से पलटते हैं, और इसको बिना हिलाए सीधे ऊपर को उठा लिया जाता है, ताकि जो हमारा पिलर है उसका साइज़ और उसका डिज़ाइन जो है वो डिफेक्ट ना हो, टूटे फूटे ना। ये देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए आप, इस पूरे सांचे को मिट्टी का तेल या मोबिल ऑयल या तो डीजल ऑयल हल्का सा छिड़काव करते, ताकि इस पिलर में मसाला न पके। ये देखिए, ये वाइब्रेटर मशीन के नीचे मोटर लगी हुई है जो इसको खूब तेज़ी से हिलाती है, जिससे मसाला पूरी तरह से बैठ जाए और पूरा पिलर मजबूती के साथ बने। ये देखिए, वाइब्रेटर मशीन देख सकते हैं आप, प्लेटफॉर्म के नीचे वाइब्रेटर मशीन फिट है। और ये देखिए, सीमेंट मोरंग और गिट्टी का मसाला इसमें भरा जा रहा है। एक बार फिर देख सकते हैं आप आराम से कैसे फावड़े की मदद से इसमें मसाला भरा जा रहा है। फिर उसी तरह से वही प्रोसेस, मसाले के बाद एक पतले लेयर के बाद इसमें तार डाले जाते हैं। तार थोड़ा सा सरिया से पतले होते हैं, ताकि इसके अंदर आसानी से फिट हो जाएं और इसके मजबूती को बनाए रखें, और इससे फ्लेक्सिबल होते हैं। ये एक बार में टूटते नहीं हैं, अगर कभी टूट भी जाते हैं तो पूरी तरह से नहीं टूटते, क्योंकि इनके अंदर के तार इनको जकड़े रखते हैं। ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत और अच्छे पिलर्स बन गए हैं। अभी इसकी आखिरी फिनिशिंग देते हैं,
मिस्त्री के द्वारा, जो इस पर कन्ने और उसकी मदद से इसको प्लेन और चिकने बनाए जाते हैं। ये देख सकते हैं मसाला कैसे भरा जा रहा है, इसकी प्रोसेस को देख सकते हैं। ये देखिए इसमें फाइनली जब खंभे जो पिलर्स हैं वो सांचे से निकलने के बाद इसमें सीमेंट का छिड़काव किया जाता है पानी डाल के, और उसके बाद इसको एक कन्ने की मदद से बराबर किया जाता है और चिकना बनाया जाता है ताकि इसके बाहर के निशान और जो क्रैक हैं वो भर जाएं ताकि और मजबूत हो जाए पिलर। ये देखिए सीमेंट के ऊपर पानी डाला जा रहा है, हल्का पानी डालने के बाद ये देखिए दूसरा पिलर बन के आ गया है। दोस्तों इसको आप स्वरोजगार के तहत भी शुरू कर सकते हैं, या यदि आप इसके कारीगर बनना चाहते हैं, मिस्त्री बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, और यदि आप बल्क नंबर पर ख़रीदना चाहते हैं यानी थोक में ख़रीदना भी चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपको नंबर नीचे दे देंगे वीडियो के डिटेल में। ये देखिए कन्ने और कन्ने की मदद से देखिए इसको कैसे फिनिशिंग दे रहे हैं। ये देखिए इससे चिकना हो जाता है, इसके ऊपर जो गिट्टियाँ होती हैं वो दब जाती हैं और इसका एक शेप चिकना शेप हो जाता है जिससे देखने में भी अच्छा लगता है। ये देखिए इसका पूरा एक फिनिशिंग, लास्ट आखिरी फिनिशिंग जो है वो दी जा रही है। दोस्तों अगर आप नए नए वीडियो देखना चाहते हैं जेके एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ये देखिए गिट्टी बालू इसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, बजरी या मोरंग डाल के इसको फिनिश।